लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को लेकर बिहार सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर आज पटना में जोरदार प्रदर्शन किया गया। दरअसल छात्र राजद ने आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च राजद कार्यालय से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक गई। इसका नेतृत्व छात्र राजद अध्यक्ष आकाश यादव कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे बिहार के तमाम जिलों में जो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो लगातार अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है और AK-47 जैसे बड़े हथियारों को जो खिलौना का तर्जी दिया जा रहा है उसके विरोध में आज हम लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया है और नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी से हम लोग इस्तीफा की मांग करते हैं। बड़का मोदी पाकिस्तान के सामने में घुटने ठेक दिया है और छोटका मोदी बिहार के अपराधियों के सामने में घुटना ठेक लिया है और आज हम लोगों ने सुशील कुमार मोदी को चूड़ी और बिंदी पहना कर पूरे पटना के सड़कों समेत पूरे बिहार के सड़कों पे घुमाने का। तो छात्र राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। व्यवस्था को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, बिहार के अन्य जगहों से अपराध के मामले सामने आ रहे हैं और नीतीश सरकार इस पर एक्शन लेते नहीं नजर आ रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष भी अपनी भूमिका पूरा कर रहा है, लगातार सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। RJD के शीर्ष नेता तो एक के बाद एक ट्वीट्स और कमेंट्स करके सरकार को तो घेर ही रहे हैं, लेकिन आज छात्र राजद द्वारा भी आक्रोश मार्च निकालकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।